जय गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव वो महेश्वर गुरु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्में श्री गुरुवेन्दम अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं वास्तुविद्या के इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपन वास्तु परामर्श किस प्रकार करना उसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं अपन यह मान के चल रहे हैं कि आपने वास्तु के मूल ग्रंथ विश्वकर्म प्रकाश सम्रांगण सूत्रधार मानसार महमत राजवल्लभ मनुष्यालय चंद्रिका इन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है और कम से कम दो ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार और विश्वकर्म प्रकाश इसमें कुशलता या निपुणता हासिल कर ली है तथा इन ग्रंथों के आधार पर तैयार किया गया पत्राचार पाठ्यक्रम वो भी आपने अच्छे से समझ लिया है स्टडी कर लिया है उसके उपरांत अब परामर्श किस प्रकार देना वास्तु परामर्श किस प्रकार देना ऑफिस का फैक्ट्री का इंडस्ट्री का घर का उसको अब देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं इस क्रम में संभवतः आज अपना तीसरा पाठ है प्रथम पाठ में ध्यान आदि का महत्व समझा शकुन को देखा समझा जाना सेकंड पार्ट में द्वार की स्थिति इत्यादि को देखने का समझने का प्रयास किया आज की इकाई में आज के पाठ में अपन वेंटिलेशन और आकार इसके महत्व के इसके प्रभाव को देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इससे वास्तु को ठीक भी करते हैं और इसके ठीक ना होने पर किस प्रकार वास्तु में दोष भी उत्पन्न होते हैं जब भी कभी अपन ह्यूमन बीइंग के लिए मनुष्यों के लिए वास्तु परामर्श देते हैं तो उसमें घर ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री जितने भी मनुष्य से संबंधित हैं जहाँ व्यक्ति रहता है जहाँ कार्य करता है जहाँ वो ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाता है उसमें कार्य करता है सामान्यतः उनके नियम कॉमन है एक ही हैं जैसे जो मनुष्य के लिए घर का द्वार बताया वही नियम ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री में लगेगा जो मनुष्य के लिए व्यापार के लिए जो आय बताई वृक्ष आय तो यदि जहाँ वो अर्थोपार्जन करता है जहाँ उसका मुख्य लक्ष्य धन कमाना है तो वहाँ जो भी अपन वास्तु करेंगे आयादी करेंगे उसमें वृक्ष आय देंगे चाहे वो उसकी दुकान हो चाहे वो सेलिंग काउंटर हो जहाँ भी अपन प्रशासन की बात करते हैं चाहे वो डायरेक्टर है चाहे वो डीन है चाहे वो मैनेजर है चाहे वो सुप्रिटेंडेंट है उसका ऑफिस है फैक्ट्री है इंडस्ट्री है तो वहाँ हम सिंह आए देंगे तो जो नियम घर के लिए बना वही ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री में लगा चाहे द्वार का निर्धारण हो चाहे मर्म स्थान ज्ञात करना हो नियम वही रहेंगे इसलिए उसमें कुछ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है अब अपन आरंभ करते हैं तो उसमें जब भी अपन किसी स्थान पर पहुंचते हैं घर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वेंटिलेशन देखना चाहिए कि उस घर में वेंटिलेशन है या नहीं है वेंटिलेशन का तात्पर्य खिड़कियों से नहीं है खिड़कियाँ हों पर वो खुली हों खुली हो वहाँ से ताज़ी हवा घर में आती हो रोशनदान हो और इसको आप अनुभव कर सकते हैं ये जो वायु संचरण है हवा का बहना है कि वो घर में प्रत्येक कमरे में है या नहीं है कि बाहर का जो वातावरण है टेम्परेचर है मान लो ठंड के दिन है और बाहर मौसम बहुत अधिक ठंडा है परंतु घर अंदर से गर्म है इसका मतलब वहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है यदि वो हीटर वगैरह लगा के गर्म किया है तो स्थिति अलग है पर सामान्य रूप से यदि तापमान में बाहर के और अंदर के बहुत अधिक डिफरेंस है इसका मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी भी मौसम में व्यक्ति को बाहर घर के बाहर अच्छा लगता है और घर में आने पर अंदर आने पर उसकी इच्छा होती है कि बाहर बैठे ओपन एरिया में बैठे खुले में बैठे इसका तात्पर्य है कि वेंटिलेशन कम है यदि बाहर से व्यक्ति यह सोचकर आया है क्योंकि हमको पूछना पड़ेगा क्लाइंट से जातक से यजमान से कि वो बाहर से तो बहुत कुछ सोचकर आता है परंतु घर में आकर कार्य नहीं कर पाता है उतनी इफिशियंसी नहीं रहती इसका मतलब वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है इसको प्रॉपरली जज करने के लिए देखने के लिए आप अगरबत्ती जला सकते हैं उसके धुएं की दिशा से वायु संचरण है या नहीं है इसको ज्ञात भी कर सकते हैं पता भी लगा सकते हैं जब आपने पंखे इत्यादि बंद करवा दिए और घर में आप पहुंचे और आपने एक अगरबत्ती जलाई यदि उसका धुआं सीधा उठता है स्ट्रेट अगरबत्ती के ऊपर इसका मतलब है वहाँ वायु संचरण प्रॉपर नहीं है यदि वो धुआं जो है वो शिफ्ट होता है ड्रिफ्ट होता है थोड़ा तिरछा होता है इसका मतलब थोड़ा है और तेज़ी से यदि बाहर की ओर जाता है इसका मतलब वहाँ वायु संचरण वा, प्रॉपर वा, है तो ये शुरू शुरू में आपको ज़रूरत पड़ेगी अगरबत्ती इत्यादि जलाने की बाद में जब आपकी एक्सपर्टी हो जाएगी तब तो वो आपको अनुभव से ही मालूम चल जाएगा कि यहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है क्योंकि बाहर से व्यक्ति आने के बाद जो टटस्थ है न्यूट्रल है अनबायस्ड है वो उस स्थान पर सफोकेशन या सफ़ोकेशन फ़ील करेगा उसको महसूस होगा कि उसको साँस की ज़रूरत यदि पंखा वगैरह बंद है पंखा चालू है तो मालूम नहीं चलेगा इसलिए जब कंसल्टेंसी करेंगे उस समय थोड़ी देर पंखा बंद करवा कर ये देख लो एसी बंद करवा कर ये देख लो कि वहाँ वायु संचरण उचित है या नहीं है क्योंकि ये जो मानव शरीर कार्य करता है ये ऑक्सीजन पर कार्य करता है इसको प्राणवायु कहते हैं हिंदी में ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं यानी इस ये प्राणों का संचार करती है ऑक्सीजन एक एक सेल में जाके बर्न होती है तो वो यदि ऑक्सीजन वहां प्रॉपर नहीं मिलेगी तो व्यक्ति कैसा रहेगा वो रुग्ण रहेगा रोगी रहेगा उसमें आलस्य रहेगा ऊर्जा की कमी रहेगी उसके डिसीजन प्रॉपर नहीं होंगे और भी अनेक अनेक समस्याएं जन्म लेंगी तो ये सब किस पर निर्भर है ये सब ताजी हवा पर फ्रेश एयर पर निर्भर है तो इसलिए जब भी कभी वास्तु करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको पूरे घर में ये देखना चाहिए ख़ास तौर से जहाँ व्यक्ति बैठता है सोता है जैसे विशेष रूप से सभी स्थान पर इवन इंक्लूडिंग टॉयलेट्स कि वहाँ भी ताज़ी हवा आई जो अंदर की बदबू है बेड स्मेल है वो सब बाहर जाना चाहिए ओपन एरिया में वेंटिलेशन खुलना चाहिए जब बेडरूम की अपन बात करते हैं तो वेंटिलेशन हो ताज़ी हवा आती हो पर प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए तो इस प्रकार से सर्वाधिक महत्व जिसको देखते हैं देते हैं उसमें वेंटिलेशन है उसमें शेप्स हैं और उसमें कलर्स हैं तो अभी अपन सबसे पहले वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं वेंटिलेशन में अभी हमने दिशा शब्द यूज़ नहीं करी है इस बात का ध्यान रखेंगे कि ताज़ी हवा आनी चाहिए फ्रेश एयर आना चाहिए बदबूदार नहीं ताज़ी हवा फ्रेश एयर वो विंडो जहाँ जैसी लोकेशन है उस हिसाब से उस दिशा में खिड़कियाँ बनेंगी वेंटिलेशन बनेंगे पुराने जो मकान पहले बनते थे उसमें दरवाजे के ऊपर खिड़की के ऊपर मतलब वो करीब करीब बीम के नीचे कई बार डोर से सीधे ऊपर उसमें सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी रिस्क है पर वो वेंटिलेशन बनाए जाते थे आजकल घरों में वेंटिलेशन बनाने की प्रथा थोड़ी सी कम हो गई ये बहुत नुकसानदायक है तो इसलिए घर में वेंटिलेशन हो हर कमरे में वेंटिलेशन हो प्रॉपर वेंटिलेशन हो और ताज़ी हवा आती हो स्पष्ट हो रहा है इसको सर्वाधिक महत्व देते हैं क्योंकि इससे हमको शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वही हमारे को स्वस्थ रखती है और निर्णय इत्यादि लेने में भी उसका अत्यधिक महत्व है अपनी पांच ज्ञानेंद्रिय होती है यानी सेंस ऑर्गन जिससे अपन ज्ञान ग्रहण करते हैं आँख नाक कान जीभ और त्वचा ये सेंस ऑर्गन्स से हैं इसमें सबसे अधिक ज्ञान लगभग सत्तर अस्सी परसेंट ज्ञान जो है वो अपन आँख से ग्रहण करते हैं आँख से नेत्र से और आँख से जो अपने को दिखता है वो एक दिखता है आकार दूसरा दिखता है रंग और तीसरा होता है विषय वस्तु कि जो भी ड्राइंग पेंटिंग फ़ोटो पिक्चर बना उसकी विषय वस्तु क्या है कौन सा भाव उससे जगता है तो रंग को ड्राइंग पेंटिंग फ़ोटो को अपन आंतरिक सज्जा में देखेंगे अभी अपन बात कर रहे हैं आकार की तो आंख से अपने को आकार दिखता है आकार तो आकार का रंग का इंटीरियर डेकोरेशन का वास्तु में लगभग लगभग सत्तर से पिचत्तर अस्सी परसेंट प्रभाव पड़ता है यानी वास्तु दोष जब भी अपने को ढूंढना हो पता लगाना हो तो व्यक्ति जो आहार लेता है पांचों ज्ञान इंद्रियों से उसको देखना चाहिए आकार कैसा है रंग कैसा है इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है फिर बाद में और अपन देखेंगे डिटेल में जब उस विषय में जाएंगे कि वो कैसी मूवीज़ देखता है आँख से कैसी मैगजीन्स पढ़ता है किस प्रकार के वातावरण में रहता है एंड सो ऑन अभी अपन आकार पे फोकस हैं तो वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में आकार के माध्यम से आकार के गुण बताएं इसको दो तीन बार दोहरा लेना इस सेंटेंस को कि आकार के माध्यम से भूमि के आकार के माध्यम से आकार के गुण हैं फिर वो चाहे नगर का आकार हो चाहे मंदिर का हो चाहे प्लॉट का हो चाहे भवन का हो चाहे ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री कमरा चाहे ड्राइंग पेंटिंग की फोटो फ्रेम चाहे द्वार हो चाहे पलंग हो आकार के माध्यम से आकार के गुण बताएं, गुण बताएं। शेप्स की प्रॉपर्टीज हैं उसको आप शेप ग्रामर भी कह सकते हो तो जितने भी आकार होते हैं चाहे वो नगर का हो जब नगर का आकार ठीक है तो उससे पूरा नगर प्रभावित होता है कोई भी नगर जो प्रॉपर शेप में हो इसलिए वास्तुशास के जो ग्रंथ हैं उसमें नगरों के आकार भी बताए गए हैं जैसे वास्तुशास्त्र का जो ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार उसका थर्टी एट्थ चैप्टर जो है उसका नाम है मातृका संस्थान अध्याय या वास्तु संस्थान मातृका उसमें चालीस प्रकार के भूमि के आकार बताएं नगर के आकार बताएं और उनका प्रभाव भी बताया उसको देखते हैं अभी विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ है उसमें बहुत से शेप्स बताएं भूमि के और उसकी प्रॉपर्टी बताइए आप उसको शेप ग्रामर कह सकते हो मानसा और के ये जो ग्रंथ हैं इसमें तो बहुत विस्तार से वर्णन है आकार का रेशो का प्रोपोर्शंस का पर विशेष रूप से अध्याय नौ और अध्याय दस ग्राम नियोजन और नगर नियोजन इन अध्यायों में नगर के शेप्स बताए हैं आठ प्रकार के शेप्स हैं दंडक है सर्वतोभद्र है नंदवर्त है परस्तर है प्रकीर्णक है ऐसे अलग अलग शेप्स हैं और उसकी प्रॉपर्टी है जैसे दंडक जिसकी विर्थ कम हो लेंथ ज़्यादा हो डंडे जैसा हो उसको डंडक कहा और उसमें कहा कि इसमें जो है वो रिटायर्ड पर्सन्स रहते हैं रिटायर्ड लोग रहते हैं एंड वाइस वर्षा वाइस वर्षा का मतलब क्या है कि यदि व्यक्ति उसमें रहेगा तो रिटायर्ड जीवन व्यतीत करेगा उसका जॉब है पद है प्रति, जो भी है वो उस पोस्ट पे नहीं रहेगा इंदौर का लालबाग पैलेस जो है वो इसका उदाहरण है तो ये जितने भी शेप्स हैं उन शेप्स के माध्यम से वो शेप के गुण हैं यदि पूरा नगर उस शेप का है आकार का है तो पूरा नगर उससे प्रभावित कॉलोनी यदि उस शेप की है तो पूरी कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं वो उस आकार से प्रभावित होंगे तो ऐसे अलग अलग आकारों का वर्णन शेप्स का वर्णन मानसार महमत विश्वकर्म प्रकाश सम्रांगण सूत्रधार में अब जैसे वो यज्ञ करते हैं उसका वर्णन है विश्वकर्मा प्रकाश के अध्याय पाँच में यज्ञ वेदी का अग्नि पुराण में है मत्स्य पुराण में है कि ये कर्म करना हो तो इस आकार की वेदी बनाओ पुत्र प्राप्ति है तो ये आकार की वेदी बनाओ सुख समृद्धि चाहिए तो इस आकार की वेदी बनाओ ये सब विस्तार से ग्रंथों में दिया है तो वो देखो वेदी का आकार बदला और उसकी प्रॉपर्टी बदली तो ये सब वास्तु के ग्रंथों में आकार के महत्व में बताया है सम्रांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है उसमें शेप्स दिए हैं कि जो स्क्वायर है जो आयताकार है जो लंबा है जो गोल है जो भगाकृति है जो वज्र की आकृति है तो ये जो डिफरेंट शेप्स हैं इसके क्या परिणाम होते हैं क्या उसके रिजल्ट होते हैं फोर्टी शेप्स दिए हुए हैं और फिर विस्तार से बताया है कि किस शेप में किस प्रकार के लोग रहेंगे एंड वाइस वर्सा यानी जिस आकार में व्यक्ति रहेगा उसमें वैसे गुण विकसित होंगे ये वास्तु में बताया गया है थोड़ा और सरल करें तो जो ग्रंथ है विश्वकर्म प्रकाश उसमें शुभ शुबा आकार हैं पहले अध्याय में कि जो शुभ आकार हैं उनका परिणाम बताया अब जैसे त्रिशूल दे दिया तो त्रिशूल जो शेप है वो एग्रेसिवनेस देगा अशुभ आकार में बहुत से आकार उन्होंने लिए तो ये जो जितने भी शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं अब ऐसी यदि ड्राइंग, पेंटिंग फोटो पिक्चर भी यदि लगाएंगे कमरे में कक्ष में तो उसका वही परिणाम आएगा तो शुभा शुभ आप ड्राइंग, पेंटिंग फ़ोटो भी कह सकते हो भूमि का आकार भी कह सकते हो शेप भी कह सकते हो तो इस प्रकार से ग्रंथों में आकार के गुणधर्म बताए हैं थोड़ा सा और विषय को सरल करते हैं कि जैसे वर्गाकार भूमि इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को इन्हांस करती है ठीक है आयताकार भूमि धर्म अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करती है बहुत सारा धन देती है लेकिन ये जो आयताकार है इसमें उस लंबाई और चौड़ाई के प्रोपोर्शंस जैसे जैसे बदलते जाते हैं उसके गुण बदलते रहते हैं उसको वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में जो बताया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने तक हो सकती है लंबाई चौड़ाई के बराबर से ले कर यदि अपन लंबाई बहुत अधिक भी बढ़ाएं तो दुगने तक जा सकते हैं उससे अधिक जो है फिर वो दोषपूर्ण हो जाती है उसमें अधिक आंगन बनाएंगे चौक बनाएंगे तो तात्पर्य क्या है आज की इकाई में आज के पाठ में अपन ने क्या देखने समझने का प्रयास किया कि वास्तु करेक्शन करने जब भी जाएंगे वास्तु देखने जब भी जाएंगे तो सबसे पहले वेंटिलेशन देखेंगे प्रत्येक कमरे का प्रत्येक कक्ष का और उस भूमि का और भवन का उसके शेप को स्टडी करेंगे उसके आकार को स्टडी करेंगे और उससे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें आकार संबंधी दोष तो नहीं है वेंटिलेशन संबंधी दोष तो नहीं है और यदि वेंटिलेशन का दोष है तो आपको वेंटिलेटर बनाना पड़ेंगे उसका कोई सप्टीट्यूट नहीं है कि आपने कोई चीज़ें सामान रख दिया और वो वेंटिलेशन उससे हो गया फ्रेश एयर का ऑक्सीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई कोई विकल्प नहीं है वो अपने को ताजी हवा लानी ही होगी और फिर ग्रंथ में स्टडी करेंगे तो उसमें करेक्शन वगैरह शेप के लिए बताए हैं तो इस प्रकार से अपने को वेंटिलेशन देखना है और आकार देखना है अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और कंसल्टेंसी को और किस प्रकार से करना देखना समझना उसको देखने का प्रयास करेंगे अभी इतने कह के, -के वाणी को विराम देते हैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव